ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से सवाल को सॉल्व करना। ये पार्ट टू है वीडियो का। इसमें आगे ये कहता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द कस्टमर 500 यूनिट्स वर डैमेज्ड। अच्छा देखो, आप जॉब F02 की जो टोटल कॉस्ट है ना वो है 13824, ठीक है जनाब। ये कितने यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? सर जॉब F02 में 3600 यूनिट्स थे, 3600 यूनिट्स थे, ठीक है ना। तो पर यूनिट जो अमाउंट बनी वो 3.84 रुपीज़ बन गई। मैंने 13824 यानी कि टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। डैमेज कितने यूनिट्स में? 500 यूनिट्स डैमेज में। अच्छा 500 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 500 यूनिट्स की कॉस्ट होगी 500 × 3.84, सर 1920 की कॉस्ट होगी। बोलता है कि ये 500 यूनिट्स डैमेज में और इनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो इनकी कॉस्ट का 50% है। यानी कि अगर ये टोटल इसकी कॉस्ट है तो इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV है वो इसी का कितना है? 50%। तो हमें जो NRV का लॉस बुक करना है या हिट बुक करनी है अपने PNL में, वो इन दोनों का बैलेंस है फिगर यानी कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू का डिफरेंस 960 बुक करना है। हम अपनी एंट्री क्या पास करेंगे? हमें अपनी फिनिश गुड्स की वैल्यू को कम करना है 960 रुपीज़ से। तो हम PNL डेबिट कर देंगे, 960 से ये डेबिट हो जाएगा और हम फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे, 960 से ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि 960 रुपीज़ का हमें लॉस बुक करना है। अब हमारी जॉब की जो नेट वैल्यू आ जाएगी ना वो होगी 13824। ये हमारी पहले वैल्यू थी इन्वेंट्री की और उसमें से 960 हमने माइनस कर दिया, नेट वैल्यू 12864 आएगी, ठीक है। अच्छा, सेल्स की जो एंट्रीज पास होती हैं वो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन सेल्स की वैल्यू की नहीं है। हमारे पास हमें ये नहीं पता कि हमने जो कस्टमर को यूनिट्स बेचे हैं उसकी जो है ना सेल्स की वैल्यू कितनी है। कॉस्ट तो हमें पता है, तो हम चाहें तो हम दो इस तरह की एंट्रीज पास कर सकते हैं विदाउट अमाउंट। एक तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे, फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा हमारा जो उसकी कॉस्ट बच गई है यानी कि इतनी अमाउंट से। ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी एंट्री जब हम सेल्स करते हैं तो डेटर्स डेबिट होता है और सेल्स की वैल्यू क्रेडिट होता है। अब इसकी अमाउंट हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। खैर, तो ये हमारे पास दो और एंट्री जब सेल्स के वक्त सेल्स हम कर रहे होते हैं तब ये एंट्रीज पास करनी चाहिए, तो ये दो और एंट्रीज हो गई। अब आ गया आखिरी पैराग्राफ जो कि सबसे थोड़ा सा समझने वाला इस सवाल का पार्ट है। आखिरी पैराग्राफ में बोलता है कि टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ वेयर 100,000। अब देखो, मैंने ऊपर एक बात एम्फेसाइज की थी सवाल के शुरू में कि यार ये जो दो जॉब्स हैं इनकी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा कंपनी में मजीद जॉब्स हो सकती हैं। सेकेंड लाइन में ये चीज़ एम्फेसाइज हो रही है, मेरे वीडियो के बिल्कुल शुरू में ये चीज़ एम्फेसाइज हो रही है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट जो है ना वो 120 है, यानी कि जो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई कर दिए होंगे वो होंगे 100,000 × 120। इसमें दूसरी जॉब्स भी होंगी, इसमें ये वाली जॉब्स भी होंगी, ये मेरा टोटल अप्लाइड का अमाउंट होगा। सेकंड बात, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लिखा। तो इस 120 में हम एज्यूम कर सकते हैं कि वेरिएबल अमाउंट भी शामिल है और फिक्स अमाउंट भी शामिल है, और वेरिएबल की हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें दोनों अमाउंट शामिल है। तीन तरह के OAR होते हैं, एक वेरिएबल का होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो हम कर सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट अलग हो, फिक्स रेट अलग हो, और दोनों का जो है ना मर्ज या कम्बाइंड रेट एक सेम अमाउंट पे हो। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये 120 में वेरिएबल और फिक्स दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब जब ये अप्लाई निकला तो ये टोटल का अप्लाई निकला, यानी कि इसमें फिक्स भी अप्लाई हो गया, इसमें वेरिएबल भी अप्लाई हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। मजीद आगे बोलता है, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एट मंथ एंड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 11 मिलियन, आउट ऑफ विच 40% वेयर फिक्स्ड। अब क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है, तो हमें ये 40% वाली बात से इसको बाइफरकेट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई 11 मिलियन का 40% लेता है, वेरिएबल अलग करता है, फिर वेरिएबल को पर आर पर एब्जॉर्ब करता है, फिर फिक्स को अलग एब्जॉर्ब करता है,
फिर अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करता है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, उसमें वो 120 के रेट को जो है वो 200 में ब्रेक करेगा। लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इसमें जो है ना सारी चीज़ें शामिल है, फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है, क्योंकि सवाल में ये वर्ड नहीं यूज़ हुआ हुआ कि ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट है, सवाल में वर्ड ये यूज़ हुआ हुआ है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को समझने में कोई कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर मुझसे क्लास में मिल सकते हैं। खैर हमारा अप्लाइड आ गया, हमारे टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जिसमें फिक्स भी शामिल है जिसमें वेरिएबल भी शामिल है वो है 11 मिलियन। तो अप्लाई ज़्यादा किया है और एक्चुअल कम है, यानी कि ओवर अप्लाइड है, ठीक है ना। ओवर अप्लाइड कितना है सर? 1000, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री नंबर 10 होगी। एक तो हम एक्चुअल की एंट्री पास कर लेते हैं, एक्चुअल की एंट्री क्या पास होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, ठीक है, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। जो हमने अमाउंट पे किया होगा वो है 11000, ठीक है। और अंडर या ओवर अप्लाइड कैसे आता है सर? ये आपकी अप्लाइड की एंट्री है जो कि इन दो जॉब्स पे लगी हैं। हम इस एंट्री को इस बार इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अलावा कंपनी में मज़ीद और जॉब्स भी हो सकती हैं, इसलिए हम ये वाली अमाउंट इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है ना वो टोटल आर्स की बात हो रही है जिसमें दूसरे जॉब से लगने वाले भी आर्स हैं, और कंपनी का टोटल एक महीने का ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट होता है, तो हम ये वाली अप्लाइड की अमाउंट लेंगे। इन 1 लाख आर्स में जॉब F01 F02 लगने वाले आर्स भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्चुअल की एंट्री पास हो गई, और हमारी जो है वो इस बार ओवर अप्लाइड है, तो हमें इनकम बुक करनी होती है, और इनकम बुक करनी होती है तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को जो है वो डेबिट कर देंगे 1000 से। और सर क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे? देखो इस सवाल में ये बोलता है कि अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब लिखा हुआ ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट या डेबिट करना अंडर या ओवर अप्लाइड के लिए। कुछ ना लिखा हुआ हो तो फिर PNL का रेफरेंस देना यहाँ पर, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसी का रेफरेंस देना, ठीक है। अच्छा, ICAP का अगर सोल्यूशन देखोगे तो उसमें तुम्हें जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अप्लाइड का अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट अलग मेंशन किया जाएगा। अगर उस तरह से एंट्रीज पास करते हो तो भी कोई मसला नहीं है। होपफुली सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे RTT में ज़रूर मिल सकते हो, और मुझे कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया। मैं मज़ीद फैक्ट्री जॉब ओवरहेड्स और दूसरे चैप्टर्स की जो है वीडियो लेक्चर्स ज़रूर प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू।